अमृत वाणी आपका हार्दिक स्वागत करती है। सादर जय जय। शांति दूत आचार्य श्री महाश्रमण जी ने आज प्रभात वेला में सांडिया ग्राम से मंगल विहार किया। स्थान स्थान पर श्रद्धालुओं को पावन आशीर्वाद प्रदान करते हुए गुरुदेव बदली की ओर गतिमान थे। लगभग 10 वर्षों पश्चात आचार्यवर के पदार्पण से श्रावक समाज में विशेष उल्लास का माहौल था। मार्ग में बहिर्विहार से समागत संतों ने गुरु दर्शन किए। पूज्य प्रवर सर्वप्रथम आचार्य भिक्षु अभिनिष्क्रमण पर पधारे, तत्पश्चात आचार्य भिक्षु दीक्षा स्थली वटवृक्ष पर गुरुदेव पधारे एवं नवनिर्मित पिरामिड कक्ष में पावन आशीष प्रदान किया। लगभग 9 किलोमीटर विहार कर आचार्य प्रवर तेरापंथ भवन में प्रवास हेतु पधारे। अमृत प्रवचन में गुरुदेव ने कहा, संत भीखण जी ने यहाँ बगड़ी में अभी निष्क्रमण किया था और वह जयत सिंह जी की छत्री का स्थान वहां भी मैं जाकर आया था और वह जयत सिंह जी की छत्री का वह प्रांगण वह स्थान भी तेरा पंथ के लिए ऐतिहासिक एक स्थान बना हुआ है और उसके संदर्भ में बगड़ी भी ऐतिहासिक बना हुआ है और भी जहाँ से अभी निष्क्रमण किया, जहाँ से चले थे, उस स्थान का भी कुछ अपना महत्व हो सकता है। और कठिनाई तो मानो बगड़ी से ही शुरू हो गई थी, बगड़ी से ही शुरू हो गई थी। अभी निष्क्रांति क्रांति की मानो क्रांति के साथ साथ वो तूफान कह दें, कठिनाई कह दें, वो भी साथ हो गई। और साथ हो गई तो जैत सिंह जी की छत्री में रात्रि प्रवास उधर करने का मौका आ गया। तो महापुरुष जो होते हैं वे कठिनाइयों से झटपट डरते नहीं, वे अपना रास्ता खोजने का या रास्ता बनाने का या चलने का प्रयास करते हैं।